नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रियंका गुप्ता आपके साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि एनआईए ने अपने टेलीफंडिंग मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और सरकारी महकमों के रिटायर्ड अधिकारी भी एनआईए की रडार पर हैं। एनआईए ने सबसे पहले, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में डीएफओ, रिटायर्ड डीएफओ के आवास पर छापेमारी की है और डोडा में दो रिटायर्ड अधिकारियों और एक इमाम के घर पे भी छापेमारी की गई है। तो टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। जम्मू डोडा से आ रही खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर जम्मू में एनआईए द्वारा रिटायर्ड डीएफओ के आवास पर छापा मारा गया है और डोडा की बात करें तो दो रिटायर्ड अधिकारियों और एक इमाम के घर छापेमारी हुई। तो सीधा तस्वीरें जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर डोडा से, ये ग्राउंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर सुबह से एनआईए द्वारा छापेमारी चल रही है और सरकारी महकमों के जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं अब एनआईए के रडार पर हैं और इसी के चलते एनआईए ने जम्मू में भी छापेमारी की गई है और डोडा में भी। डोडा में एक इमाम के घर पर छापेमारी की गई है, दो रिटायर्ड अधिकारियों के घर पर छापेमारी की गई है और जम्मू की बात बता रहे हैं आपको, तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर रिटायर्ड डीएफओ के आवास पर भी छापा मारा गया है। सरकारी महकमों के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं एनआईए की रडार पर नजर आ रहे हैं और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है। ताजा तफसीलात लेंगे, फिलहाल क्या कुछ निकल के सामने आया है जम्मू और डोडा से। सबसे पहले रुक करेंगे जम्मू का, हमारी संवाददाता रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। रितिका, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए द्वारा जो छापेमारी की गई है इसे लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है। आपको बता देना चाहते कि जम्मू के बठिंडी क्षेत्र में एनआईए के द्वारा डीएफओ हाफिजुल्ला जो है उनके घर पे ये डालने का कार्य किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अगर सूत्रों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हाफिज के घर पे रेड डाली गई है उसने एनआईए को ये शक है कि टेरर फंडिंग मामले में जो हाफिजुल्ला है वो भी शामिल है और उसी के चलते, इसी शक के चलते तमाम दस्तावेज वहां पे खंगाले जा रहे हैं, पूरे इलाके की घेराबंदी करके गई है और जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस इलाके को इसी प्रकार के घेर के अपनी कार्रवाई को एनआईए द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, वहीं पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है, रितिका राजपूत हमें जानकारी दे रहे हैं, अगर रिटायर्ड डीएफओ के आवास पर छापेमारी की गई है और कुछ पता चल पाया है, कुछ अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है या फिर जो दस्तावेज हैं उसे सीज किया गया या कुछ और सामान वहां से मिला है? जी, अभी तक कोई आधिकारिक बयान जो है वो इस पे निकल के बाहर नहीं आया है क्योंकि अभी तक लगातार रेड डालने का कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। तो बीच में बाहर आके कुछ भी अधिकारियों की तरफ से कहना अभी तक मुमकिन नहीं है। जैसे ही रेड पूरी हो जाएगी उसके बाद जरूर बात बाहर निकल के आएगी कि असल में वहां से क्या क्या चीजें बरामद की गई है। अभी तक दस्तावेज जो है वो हिरासत में जो लेने का कार्य है वो किया गया और उसके अलावा पूरे इलाके को पूरा कवर करके रखा गया है ताकि आवाजाही जो है वो ना हो, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का सहयोग जो है पूर्ण सहयोग के साथ उस इलाके की घेराबंदी करके रखी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। जम्मू से रितिका राजपूत हमें जानकारी दे रही थी और अभी भी एनआईए की छापेमारी चल रही है और इस बीच अभी तक हालांकि कुछ ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है क्योंकि अभी भी लगातार छापेमारी जारी है। और वहीं पर जहां जम्मू से जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, ताजा तफसीलात आप तक पहुंचा रहे थे, अब हम बात करेंगे डोडा की, क्योंकि डोडा में भी एनआईए ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है टेरर फंडिंग मामले को लेकर और डोडा में जिस तरह से तस्वीरें भी आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और दो रिटायर्ड अधिकारियों के घर पर डोडा में छापेमारी की गई है एनआईए द्वारा, वहीं एक इमाम के घर पे भी टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी लगातार जारी है। हालांकि अभी तक जिस तरह से छापेमारी की जा रही है तो अभी तक ऑफिशियल जानकारी इस हवाले से सामने नहीं आई है, क्या कुछ वहाँ पर मिला है या क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिली है। और एनआईए में जिस तरह से जम्मू में आपको हम बता रहे थे, जम्मू से रितिका ने सारी जानकारी इस हवाले से दी क्योंकि अभी भी लगातार छापेमारी जारी है। तो रुक करते हैं डोडा का, डोडा से हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा एनआईए की छापेमारी के हवाले से, क्या ताज़ा तफसीलात हैं? जी वसीम। जी बिल्कुल, अगर आप डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर छह पदा
रास्ते नेशनल इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी ने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया गया था। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से जमात इस्लामी को लगभग कुछ सालों पहले जो है बैन कर दिया गया था, उसके बाद ही जो है इस तरह की हालात, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। और लगभग एक साल पहले आपने देखा होगा कि डोडा से हमने ड्रोन थी, उसे अलग अलग लोकेशन से आपको दिखाया था किस तरह से जो है जमात इस्लामी के साथ जो लोग जुड़े थे उनके ऊपर कार्रवाई देखने को मिली थी, कुछ लोगों से डॉक्यूमेंट्स भी लिए थे। अगर आज की तरह बात करें तो आज के लगभग छह लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे रेड मारी गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, जिसमें सीआरपीएफ मौजूद थी, ताकि वहां पे कोई लाइन ऑर्डर खराब ना हो। और लगभग छह लोकेशन जो तीन नाम हमारे पास आए, शहीद महबूब शाह जो खलीला के रहने वाले हैं, इनके ऊपर भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है सिकंजा कस लिया है। लगभग डोडा से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और चार साल पहले ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करते हैं अब रिटायर हो चुके हैं। और नूर दीन बोरू जो डोडा के मुंशी बैला में रहने वाले हैं और उनके घर पे भी सुबह जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है रेड मारी है, इनसे भी जानकारी ली है, पूरे डॉक्यूमेंट चार्ज किए गए हैं और बाहर के रहने वाले हैं और इनके ऊपर भी जो है शिकंजा कहीं ना कहीं कसता हुआ नजर आया। और जिस तरह से आपको बताएं कि अलग अलग जगहों पे जैसे मुंशी मेला के बाद बागवा का एक शख्स है उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई, मोहम्मद शफी इनके ऊपर जो है, इनके ये बताया ये जाता है कि ये मस्जिद के इमाम है, इनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। लगभग 5 घंटे के बाद जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी जो है कार्रवाई अभी कुछ देर पहले जो है खत्म कर दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरह का वेट करती है, क्या चीजें सामने निकल के आती है, या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस तरह का जो है डिसीजन लेती है, हमने किस तरह का डिसीजन वहां पे लिया, उनके से क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स उनसे लिए हैं, ये देखना अभी बकाया है। और क्या अगली तहकीकात उनकी होगी बात करना बहुत अभी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। तो वसीम ताज तफसला डोडा से पहुंचा रहे थे जहां पर उनका कहना था अभी भी छापेमारी जारी है। और साथ ही डोडा और जम्मू में जिस तरह से टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है, तो लगातार जम्मू और डोडा में अभी भी एनआईए की जो ये कार्रवाई है वो जारी है। तो चलिए अब रुक करते हैं हम बटगाम का, और बटगाम में हम बात करेंगे मोहर्रम प्रोसेशंस को लेकर, क्योंकि जिस तरह से कल अशूरा है उसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जो जारी की गई है, अब जो अदादार हैं उनको भी किस तरह की मुश्किलात ना आए और जो आवाम है उनको भी किस तरह की मुश्किलात ना आए, जिसके चलते सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ की जानकारी दी गई है। और बटगाम में अशूरा के जुलूस को लेकर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। शिया समुदाय द्वारा कल अशूरा का जुलूस निकाला जाएगा और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त की हैं, और साथ ही साथ जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसे भी जारी किया गया है। अब आपको बता देते हैं क्योंकि जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, जनरल पब्लिक जो है आम आवाम को कहा गया है कि वो एडवाइजरी के अकॉर्डिंगली ही चलें, क्योंकि बडगाम में जिस तरह से जो अशूरा प्रोसेशंस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उसे लेकर जो इमाम बरगा मीरगुंड से इमाम बरगा बडगाम है उसका डायवर्जन बताया जा रहा है, नसरुलपुरा दफपुरा वारपुरा के तरफ से है, और डायवर्जन जो सिबदन फ्लाईओवर है उसका रेलवे स्टेशन ओमपुरा से उसका डायवर्जन किया गया है। और जब प्रोसेशन मीरगुंड चौक को क्रॉस करेगा तो उसे बताया जा रहा है कि सेम होगा करीपुरा क्रॉसिंग से लेकर करीपुरा रेलवे रोड तक। तो कुछ जानकारी है पूरी पूरी इस हवाले से जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, नंबर्स भी जारी किए गए हैं अगर किसी को कोई क्वेरी है। तो चलिए रुक करते हैं बडगाम का, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अशरफ डार ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ बताइएगा, मुहर्रम प्रोसेशंस को लेकर हम बात कर रहे हैं जिसे लेकर जो अदादार हैं उनको भी किसी तरह की मुश्किलात ना आए, आवाम को मुश्किलात ना आए, कल अशूरा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी उसके लिए जारी की गई है, तो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। देखिए प्रियंका, जहाँ आप अशूरा की बात करते हैं तो लगातार बड़गाम में पहले मोहर्रम से ही जो आजादारों की बड़ी तादाद मस्जिद से करते हुए नजर आई, चाहे इमामबाड़ा हो, आजा खाना हो, जहाँ जहाँ पर भी शिया इलाके हैं वहाँ पर रात को जो है मस्जिद से जो है मुख्तलिफ जगहों से जुलूस बरामद होते हैं। जब हम बड़गाम की बात करते हैं तो 6 तारीख से मुख्तलिफ जुलूस जो है जाते हैं, चाहे खानपुरा हो, पाटवा हो, मुख्तलिफ जगहों से जुलूस जो है बरामद हो जाते हैं। बता दो ये श्रीनगर
तो अशरफ हमारे साथ लगातार ज्वाइन किए हुए हैं ट्रैफिक एडवाइजरी के हवाले से। ट्रैफिक डाइवर्जेंस भी बताइएगा, क्योंकि जिसको नहीं भी पता है उनको पता चले कि कहाँ से किस टाइमिंग पे क्रॉस करना है। टाइमिंग्स के हवाले से बात करें या डाइवर्जेंस को लेकर बात करें, अशरफ बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। जहाँ हम कल की बात करते हैं, आशुरा की बात करते हैं, तो अगर हम बड़गाम की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो जुलूस कल बड़गाम को मिरगुंड बड़गाम से शुरू होते हुए डीसी ऑफिस एसपी ऑफिस रोड से गुजरते हुए जो है बड़गाम मेन चौक तक पहुंचेगा, जिसमें लाखों की तादाद में लोग अदादारी के लिए आ जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से अदादारी के लिए आ जाते हैं और इस जुलूस में लाखों की तादाद में जो है लोग आ जाते हैं। और अगर हम पुलिस की बात करें, एडवाइजरी की बात करें, तो पुलिस ने पहले ही खातिर का इंतजाम किए हुए हैं, किस तरह वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे, किस तरह वो जो कि कल दूसरा ये की एक तो छुट्टी होती है, दूसरा ये की अगर कोई किसी को इमरजेंसी हो वो वही घर से बाहर आता है, तो उसके लिए पहले ही पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि किस रूट कौन सा रूट बंद रहेगा और किस रूट से जो अगर किसी को इमरजेंसी हो फिर वो किस रूट से जाएगा। अगर हम बड़गाम की बात करें तो ओमपुरा से उन्होंने रोड को डाइवर्ट किया है, जो कि रेलवे क्रॉसिंग से होते हुए शब्दनी रास्ते से सेगुप तक जाएगा। वही जब हम खान साहब इलाके की बात करें तो इन्होंने वड़ीपुरा से जो है क्रॉसिंग दी है, जो कि जूरगुंड से होते हुए छू इलाके से होते हुए फिर वो अपने इलाकों में ट्रैफिक जा सकता है। जो पुलिस ने पहले ही इस तरह की जो है एडवाइजरी जारी की है कि किस तरह वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करे और अजादारी को वही मुश्किल ना हो अजादारी में। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ये पीछे दायरा पार्क है, यहाँ कल दोपहर को नमाज भी होगी और यहाँ पर बुलाया जाएगा इसको, इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो या औकाफ की तरफ से इस पार्क को सजा दिया गया है ताकि आजादारों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो। और सब और ये कि ये जो जुलूस है ये मिरगुंड से होते हुए बड़गाम तक जाएगा, करीबन रात को ये 10-12 बजे तक जो है जुलूस में आजादारों की तादाद जो है सीना को भी करते हुए नजर आ रही है। वही हम जब हम श्रीनगर की बड़े जुलूस की बात करें, जो कि कल 10वें मुहर्रम का जो जुलूस निकलने वाला था, जैसे हमने देखा 8 तारीख को पहले ही जो गवर्नर इंतजामिया ने उस पर पाबंदी आयद की थी, तो जाहिर सी बात है जब कल का जुलूस है तो उस पर भी पाबंदी होगी। तो वहाँ हमने देखा किस तरह कल फिर भी आजादार निकले और आजादारी करते हुए नजर आए। वही हम बाकी जब एरियाओं की बात करें, कल हर एक जगह से जो जुलूस बरामद हो जाते हैं, छोटे मोटे गांव हो या बड़े गांव हो, वहां पर भी जुलूस निकलेंगे। जैसे वो जुलूस इख्तिताम पसीर होते हैं उसके बाद वो बड़गाम का रुख करते हैं और बड़े जुलूस में जो है शिरकत करते हैं। जी प्रियंका करने के लिए तो मोहम्मद अशरफ डार जानकारी दे रहे थे कि अदादारों को किसी तरह की मुश्किलात ना आए, आवाम को मुश्किलात ना आए, किस तरह से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, ट्रैफिक डाइवर्जेंस के बारे में जानकारी दे रहे थे और जिस तरह से असूरा के हवाले से जो जुलूस निकलने हैं उसको लेकर भी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया। देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान ने जोर पकड़ लिया है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जी जान से जुटी हुई है और इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी की अगुवाई में नौशहरा में एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। सुरेंद्र चौधरी और उनके साथियों ने इस रैली के माध्यम से लोगों को अमन का पैगाम दिया और साथ ही साथ उनके स्वतंत्रता दिवस पर घरों में तिरंगा फहराकर इससे सम्मान देने का आह्वान किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बीएसएफ की 12वीं बटालियन द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसे भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी और 12वीं बटालियन के सीओ दिलबाग सिंह ने रवाना किया और ये रैली कानाचक से शुरू होकर गजनसू पहुंच संपन्न हुई, जिसमें बीएसएफ के जवानों के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं ने भी भाग लिया। आज हमने आज़ादी का महाउत्सव जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और हमारी स्टेट में, खासकर मढ़ में, बीएसएफ वालों, हमारा लेट था प्रोग्राम 2 दिन के बाद था, लेकिन बीएसएफ वालों ने हमसे अपील की, क्योंकि वो ज्वाइंट हमारे साथ कोई भी फंक्शन हो, आज़ादी का हो, 15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो, हमारे साथ बीएसएफ के जवान जो कि हमारी रखवाली करते हैं हमारे हिंदुस्तान की, खासकर हमारे मढ़ बॉर्डर की, तो हमारे साथ मिलके हमने एक जॉइंट तिरंगा रैली निकाली और जो गाइंसू से स्टार्ट करके मढ़ यहाँ पे सेंटर पे आके यहाँ पे खत्म। पहली बार बीएसएफ ने रैली की है, कितनी खुशी आप लोगों को? नहीं, खुशी तो हम पहले ही, हम आज जिंदा है, आज अगर हम ये महोत्सव वगैरह जो आज़ादी का महोत्सव जो मना रहे हैं, ये बीएसएफ की देन है, जो बॉर्डर पे बैठ के दिन रात हमारे लिए हमारी रखवाली करते हैं, ये सब उन्हीं की देन है और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और खासकर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने
उत्साह पैदा किया लोगों के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि जब चंद्रमा मास पर मनाओ, और मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमारा मकसद है कि सबके जो बॉर्डर बेल्ट के बीच में लोग रहते हैं उनमें भारतीय झंडे को लेकर अवेयरनेस पैदा की जाए। तो आम लोगों को क्या मैसेज रहेगा? आम लोगों को ये मैसेज रहेगा कि वो देश भक्ति में, देश सेवा में अपना सहयोग दें। बहुत खुशी है, घर घर झंडे हमें मिशन में चल रहे हैं, बहुत खुशी है। क्या मैसेज रहेगा BSF की ओर से? हमने लोगों को मोटिवेट किया है, यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर इलाके में उनको मोटिवेट किया है, और झंडे के बारे में, घर घर झंडे के बारे में हमने अभियान चलाया है। यूट्यूबर संयम पंडो द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर उसके खिलाफ ब्राह्मण समुदाय व अन्य लोगों के प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। विश्ला में लोगों ने सड़क मार्ग बंद कर संयम पंडो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, और लोगों का आरोप है कि संयम के खिलाफ पुलिस स्टेशन में तहरीर देने के बावजूद उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा रही। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही संयम पंडो के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार न किया गया तो वह नेशनल हाईवे बंद कर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। बिश्नाह टू बड़ी ब्राह्मणा जिहड़ा हाईवे है उसे बंद कीते दा। मुद्दा तुसें सारे पता है कि संयम पंडो सैल्फ प्रोक्लेम्ड सैलैब्रिटी अपने आप जिहड़ा बने दा मिर्जापुर सिटी च स्पूफ बनाया जिहदे च उन्हें पंडित की खंडित आख्या। बड़ी शर्मनाक गल है तेरे लिए, तू जम्मू दा होइए इन्नी गंदी गंदी गल्लां ब्राह्मणें दे बारे च आखा दा, तेरे पर लानत है। कुछ ऐसे पत्रकार जिहड़े जम्मू की रिप्रजेंट करते, मैं नहीं आखा दा कि वह पत्रकार बुरे ने, बड़े अच्छे पत्रकार ने, बड़े बड़े मुद्दे उजागर करते हैं, लेकिन जोड़ा हूँ यह मुद्दा आया ये पर कोई पत्रकार जम्मू का खुलिए नहीं बोला है। मैं पूछना चाहना केह गल हुई तुने की, आपसी संबंध होने तुंदे, तुहें तो आखते कि अह न्यूट्रल पत्रकार हाँ, तुंदी तुंदा इतने बंदा कि तुझे ये पर बोलना चाहिए हा, लेकिन जोड़ा संयम पंडो ने गल की है मैं उसी आखना चाहना कि इे जनता जिन्हें तुम सिरा पर चाढ़िया हा, लेकिन हूँ मैं तुम सुनाई उन्ना कि सिरा पर भी इन्हें चाढ़िया, लेकिन पुत्रा तुम त्यौहार भी टाइम नहीं लगना, ये मैं तुम सुनाई होना। तेरे चैनल जेड़े हैं ना ये सब बंद हुई जाने, थोड़े दिन पहले तू ब्याह किया ब्राह्मणे के घर, अपने कम से कम अपने फादर इन लॉ की इज्जत रखी लेनी ही, वो भी ब्राह्मण है। सर ये संयम पंडो के खिलाफ है सर, कल हमने तारा चौक पे प्रोटेस्ट किया था, आज हमने ये रोड ब्लॉक किया सर, हमारी FIR नहीं लग रही, हमने FIR लगाई, हमारी FIR नहीं लग रही, आज ये बड़ी ब्राह्मणा तू बिश्नाह रोड ब्लॉक किया हुआ है, कल अभी तक हमारी FIR का कोई नतीजा नहीं निकला सर, हम ये चाहते हैं कि FIR लगे, हम अभी उठ जाएंगे। जो उसने ब्राह्मणों के, संयम पंडो ने ब्राह्मणों के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद। दोस्त दिखा दो अज बिश्नाह धूली है, जरा बिश्नाह धूली है बड़ी मेहनत का जरा मार्ग है वो अज असें बंद किया है, संयम पंडो के खिलाफ कल भी असें प्रोटेस्ट किया तारा चौक, और 24 घंटे का मूल्य दी है उन्हें कि जल्दी को जल्द ये FIR लॉन्च की जाए, और उसके बाद शामी अस FIR एप्लीकेशन भी उन्हें मार्क की थी, पुलिस स्टेशन की दी क्या उन्हें सिर्फ FIR नहीं लाई छड़ी एप्लीकेशन लाई, तो ऐसे अज रोड ब्लॉक किए हो सकता है, अगर अज रोड ब्लॉक नहीं होया सर पर जोर जबरदस्ती की गई, खास करके पुलिस स्टेशन द्वारा जिला पुलिस ने सर पर जोर जमाइश की, तो अस अज अगला मार्ग है जरा बंद है वह बड़ी बहन वाला वह भी मार्ग बंद करके। वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स को हटाने और नियमित करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के वोकेशनल ट्रेनरों का आंदोलन लगातार जारी है। ये लोग पिछले करीब एक हफ्ते से इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज भी जम्मू में प्रदर्शन कर इन्होंने सरकार के खिलाफ सरकार से इंसाफ करने की गुहार लगाई है। आठ दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, डिमांड्स हमारी यही है कि वोकेशनल एजुकेशन में जो ठेकेदारी चल रही है प्राइवेट कंपनीज की उनको जल्द से जल्द ऑन प्रायोरिटी रिमूव किया जाए। बेसिकली क्या है, हमने अभी तक पिछले हम 2016 में रिक्रूट हुए थे और तब से लेके आज तक हम हर एक ब्यूरोक्रेट्स के, हर एक लीडर के दरवाजे जो है वो खटखटा रहे हैं, वहाँ से हमें सिर्फ एश्योरेंस पे एश्योरेंस मिलता है। लास्ट मंथ 1 जुलाई को हमारा एक डेलीगेशन कश्मीर में LG सर से मिला, उन्होंने हमारे सामने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो
श्री बीके सिंह सर हैं, उनको कॉल भी किया कि मतलब इनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, मतलब बच्चे हमारे उनके पास गए हैं, बट अभी तक उसके बाद हम बीके सिंह सर से भी मिले, बट उन्होंने भी हमें बिना सिवाय एश्योरेंस के कुछ नहीं दिया, ब्लैक एंड वाइट में ऑन रिकॉर्ड कुछ भी हमारे पास नहीं आया। आप देखिएगा आज 8वां दिन है, क्वालिफाइड यूथ सड़कों पर है, कश्मीर की सड़कों पर प्रेस इनक्लेव पर यूथ बैठा हुआ है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लेडीज़ बैठी हुई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक आंखें मूंद के बैठी है। तो ये क्या जस्टिस है? हमारे साथ 2016 से इनजस्टिस होता आ रहा है और अब इनजस्टिस की हद इतनी बढ़ गई है कि हमें टर्मिनेशन लेटर्स आ रहे हैं प्राइवेट कंपनीज की तरफ से। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि सर बेटियां, बेटियों को पढ़ाने का और बेटियों को बचाने का आप नारा देते हैं और बेटियां जो हैं वो सड़कों पर बैठी हैं, प्लीज़ इस जो हमारी डिमांड्स है उनको प्लीज़ एड्रेस किया जाए और जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि हम भी अपना वर्क जो है वो रिज्यूम कर सकें स्कूल्स में। सावन महीने के चौथे व अंतिम सोमवार को आज शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखा और लोग भगवान शिव की आराधना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाते नजर आए। जम्मू में स्थित शिवालयों के साथ साथ इसके आसपास स्थित अन्य शिव मंदिरों में भी आज लोग सावन महीने के अंतिम सोमवार के तमाम धार्मिक परंपराएं निभाकर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई से हुई थी और भगवान शिव की पूजा आराधना को समर्पित यह महीना धार्मिक पवित्र, बहुत ज्यादा पवित्र भी माना जाता है और मान्यता है कि जो भी सावन के महीने में पूरे विधि विधान से और रुद्र अभिषेक करके भोलेनाथ की भक्ति करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। वहीं सोमवार का दिन भी भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित है और ऐसे में सावन महीने के हर सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। बस इसमें यही है कहता हूँ कि भोले बाबा सब पर कृपा बनाए रखें और सभी भोले बाबा के भक्त हैं और भगवान करकर हम कहते हैं कि सभी ठीक ठाक रहे। रश तो काफ़ी था पहले, अभी रश थोड़ा सा कम हुआ है तो सभी ने पूजा की है यहाँ पर। भगवान से यही मनोकामना रही है कि हर साल ऐसे ही हमें दर्शन देते रहे और भगवान करके सभी ठीक ठाक रहे। पवित्र शिवलिंग आप शंभु जो हमारे जामवंत जी गुफा जी हैं पीरखू में दर्शन करके आ रहा हूँ और ये एक पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो रुद्राक्ष एकमुखी रुद्राक्ष शिवलिंग है ये और ये बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पे आज सावन का आखिरी सोमवार है और मैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए और पूरे संसार की सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भोले शंकर पूरे ब्रह्मांड को खुश रखें। पूरा महीना लोगों का अच्छी भीड़ होती है, आज लास्ट सोमवार है तो आज लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा कर रहे हैं, भगवान भोले शंकर के दर्शन पा रहे हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। रक्षाबंधन का पर्व करीब आते ही पतंगबाजी का शौक रखने वाले लोगों ने भी तैयारियां शुरू कर ली हैं। इस कारोबार से जुड़े बाहरी राज्यों के लोग भी जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं और पतंगों की डोर लगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि डोर लगाने वाले इन कारीगरों में भी चाइनीज डोर यानी कि गट्टू की दहशत बराबर बनी है। इसके मुताबिक वो जम्मू में पिछले 24 वर्षों से डोर लगाने का काम कर रहे हैं लेकिन मौजूदा दौर में गट्टू ने उनके काम को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन को अब मात्र 4 दिन गए हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। कारीगरों का यह भी आरोप है कि गट्टू पर लगे प्रतिबंध के बावजूद कुछ लोग गट्टू को मुंह मांगे दामों पर बेचकर खुली कमाई कर रहे हैं। टूट जाएगी अगर ये गला में फंस। देखिए आज से कुछ दिन पहले की तो बात है, यहाँ पर 10-20-15-20 अड्डे लगते थे, आज के डेट में तो पूरी जम्मू में कहीं अड्डा है ही नहीं। एक बक्सीनगर मेटाडोर अंदर में अड्डा है और आज इनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम लोग अभी आज के डेट में संडे का दिन है, आज रक्षाबंधन मात्र अब 4-5 दिन रह चुके हैं और आज के डेट में भी हमारे कारीगरों के पास काम नहीं है क्योंकि लोग जो आते हैं गट्टू मांगते हैं। बैन सिर्फ कहने के लिए हुआ है, जो आइटम गवर्नमेंट बैन करती है ये बिजनेसमैन उनको छुपा रुस्तम में डबल रेट में बाहर बेच देती है क्योंकि भाई बैन हो गया, जो पैसा मांगेगा अगला देगा और 200 की चीज आज 500 1000 में बिक रहा है।
जम्मू के जीएमसी अस्पताल की लिफ्ट अक्सर खराब होने से मरीजों और ईमानदारों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ईमानदारों का आरोप है कि आए दिन लिफ्ट खराब होने से उन्हें मरीजों को लाने ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हर वर्ष जीएमसी प्रशासन लिफ्ट के रखरखाव के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद भी लिफ्ट की सुविधा सुचारू रूप से नहीं चलती। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।